रे, तुमने आज की न्यूज़ पढ़ी? हीरेन, तुमने आज की न्यूज़ पढ़ी? हाँ कीर्ति, अभी एक डील फाइनल हो रही है। मैंने पढ़ी आज की न्यूज़। कोरोना के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे, मुझे नहीं लगता इस बार हम क्रिसमस एंजॉय कर पाएंगे। हाँ भाभी, इस बार कोरोना ने क्रिसमस का पूरा मजा ही किरकिरा कर दिया हाँ है। करण। हाँ भाभी। आ गई भैया की लाडली। बाकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हर साल हम क्रिसमस कितना एंजॉय करते हैं। हाँ, क्रिसमस यानी डांस, लेट नाइट पार्टी, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के दोस्तों के सामने शो ऑफ करना, बड़ीज के साथ घूमना, हाँ फैमिली गैदरिंग, खाना और पीना भी, अलग अलग लुक में पाउट वाली सेल्फी सोशल मीडिया पर अपलोडिंग, डोंट फॉरगेट किटी पार्टी। अरे आप बिरयानी को तो भूल ही गए। बिजनेस में ढेर सारा प्रॉफिट और वेकेशन भी और क्रिसमस फादर। और ये सब का मतलब ही क्या? कोरोना की वजह से ये सब कर ही नहीं पाओगे। એટલે કીધું તો મને પગાર આપો ને ગામડે જવા દો. અરે નટુભાઈ, કોરોના કી વજહ સે બિઝનેસ કુછ ખાસ રહા નહીં. મુજે ભી કહાં શોપિંગ કે પૈસે મિલે. અગર યે ડીલ ફાઇનલ હોતી હૈ તો આપકા પગાર ઓર બોનસ ફિક્સ. હેલો. હા 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 બોલિયે સર. યે તુમ્હારી ડિલિવરી? હા, મેને ભેજ દીયે. हेलो मैम, तुम्हारा स्टार आई वो। वाओ स्टार ना, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है भैया। हम ये स्टार कहाँ पर लगाएंगे? कोटेशन भेज दे बेटा। एक मिनट, आप एक बार देख सकते हो? आप एक बार भैया बताओ ना कहाँ पर लगाएंगे। बाकी मेरा अर्जेंट कॉल चालू है। हेलो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। अच्छा भैया, हम वो बालकनी में स्टार लगाएं? बाकी एक बार बोले तो समझ में नहीं आया। क्या कोई बहन को इस तरह से डांटता है? मेरी डील कैंसिल हुई है? आप लोगों को क्रिसमस की पड़ी है? सच में कोरोना ने क्रिसमस का मजा ही किरकिरा कर दिया। प्रभु यीशु के नाम में यार, आप सभी का स्पेशल क्रिसमस मैसेज में हम स्वागत करते हैं। ये पूरा साल प्यारो हमारे लिए काफी कठिन और चुनौतीपूर्ण रहा, और देखते ही देखते हम इस साल के आखिरी महीने में भी प्रवेश कर चुके हैं प्यारो, और थोड़े ही दिनों में हम क्रिसमस के त्योहार को मनाने जा रहे हैं। और इस अवसर पर आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि ये साल कोरोना वायरस रूपी महामारी ने क्रिसमस का जो मजा है उसे किरकिरा कर दिया, उसे पूरा बिगाड़ दिया। प्यारो आप में से कुछ लोग ये सोचते होंगे कि पिछली क्रिसमस हमने कितने बड़े आनंद के साथ मनाई थी, जो आपने शॉपिंग की थी, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे थे, और वो याद करके आप दुखी होते होंगे कि ये साल मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा या तो ऐसा नहीं कर पाऊंगी। आपने अपने दोस्तों के साथ जो पार्टीज की होगी आप वो याद करते हुए दुखी होते होंगे। आप में से कुछ लोग जो ग्रैंड सेलिब्रेशंस आपने लास्ट ईयर किए होंगे उसे याद करते हुए दुखी होते होंगे कि ये साल मुझे वो करने नहीं मिलेगा। फैमिली गैदरिंग्स और चर्च में बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर क्रिसमस के त्योहार को जैसे हम मनाते थे, शायद वैसे ये साल हम नहीं मना पाएंगे। और ये सब सोचकर आप कहते होंगे कि सचमुच ये कोरोना वायरस ने, महामारी ने क्रिसमस का जो मजा था उसे किरकिरा कर दिया है। आप में से कुछ लोग प्यारो ये महामारी के कारण आर्थिक संकट से होकर भी शायद गुजरते होंगे, नौकरी में या तो बिजनेस में आप चुनौतियों का सामना करते होंगे प्यारो। एक और पैसों की कमी, दूसरी और त्योहार, परिवार की अपेक्षाएं, और इन सब के बीच आप पिसते जा रहे हो, और आपको लग रहा है ये साल ये महामारी ने ये क्रिसमस का जो मजा था उसे पूरा बिगाड़ कर रख दिया है। आप में से कुछ लोग शायद बीमार होंगे, शायद आप में से कुछ लोगों ने अपने प्रियजनों को गवाया होगा। प्यारो माहौल और ये परिस्थिति को देखते हुए आप सोचते होंगे ये साल कोरोना वायरस रूपी महामारी ने क्रिसमस का जो मजा था उसे किरकिरा कर दिया।
लेकिन प्यारो हम आपको बताना चाहते हैं इस क्रिसमस के अवसर पर एक सबसे बड़ी खुशी अभी भी बरकरार है प्यारो, और वो आपसे कोई नहीं छीन सकता प्यारो। चाहे परिस्थिति कितनी भी बिगड़ी हुई क्यों ना हो, आपके पास पहनने के लिए अच्छे और महंगे कपड़े हो या ना हो, आपके पास पैसे हो या ना हो प्यारो, बड़े बड़े सेलिब्रेशन शायद आप ना कर पाओ, इकट्ठा पहले जैसे मिलते थे वैसे शायद हम न मिल पाए प्यारो, लेकिन एक सबसे बड़ी खुशी इस क्रिसमस के अवसर पर आपसे कोई नहीं छीन सकता। और वो सबसे बड़ी खुशी, वो सबसे बड़े आनंद की बात यह है कि प्रभु यीशु आपके लिए इस संसार में जन्म ले चुके हैं प्यारो। प्रभु यीशु ने इस क्रिसमस के अवसर पर आपके लिए इस संसार में जन्म लिया आपके लिए प्यारो, और ये सबसे बड़ी खुशी है प्यारो। चाहे और कुछ हमारे पास हो या ना हो, आइए इस क्रिसमस पर ये बात में हम आनंद मनाए कि मेरे लिए प्रभु यीशु स्वर्ग छोड़कर इस संसार में मेरे लिए आए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। बड़े आनंद के समाचार ये नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, अच्छे कपड़े हमने क्रिसमस के लिए खरीद लिए हैं और बहुत अच्छा डेकोरेशन और सेलिब्रेशन हम करने वाले हैं, ये आनंद के समाचार नहीं है प्यारो। बड़े आनंद के समाचार ये है मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु उद्धारकर्ता बन के स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में जन्म ले चुके हैं। हालेलुया। आइए सब कुछ बाजू पर रखे प्यारो, जो बातें हमें निराश करती है, जो बातों को देखकर हम दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं ये कोरोना वायरस रूपी महामारी ने क्रिसमस का जो मजा था उसे किरकिरा कर दिया है, क्रिसमस का आनंद मजा कोई भी नहीं छीन सकता प्यारो। आइए प्यारो प्रभु से कहे कि प्रभु हर साल के समान ये साल भले ही मैं क्रिसमस न मना पाऊं, लेकिन ये 2020 की क्रिसमस के अवसर पर मैं याद रखना चाहता हूं कि एक हकीकत अभी भी नहीं बदली और वो मेरे सबसे बड़ी खुशी का कारण है, आनंद का कारण है। कोरोना वायरस रूपी महामारी उसे छीन नहीं सकती, और वो हकीकत ये है मेरे लिए प्रभु यीशु स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आए, गंदी चलनी में जन्म लिया, मेरे लिए अपना बलिदान दिया, वो मेरे उद्धार करता है, वो मेरे मुक्ति दाता है। हालेलुया। और प्यारो जब आप ये विश्वास करोगे और ये बात को आपकी खुशी का आधार बनाओगे, वो ही प्रभु यीशु इमानुएल बनकर आपके साथ रहेगा और ये क्रिसमस को भी सही मायनों में आनंद का कारण बनाएगा, खुशियों से भर देगा। आइए छोटी दुआ करें। प्रभु यीशु के नाम में प्यारे पिता हम दुआ करते हैं, भले ही हर साल से ये साल की क्रिसमस कुछ अलग हो, काफी कुछ बातों की कमी घटी होगी हमारे जीवनों में, काफी कुछ बातें हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम यह याद रखें कि ये क्रिसमस पर भी सबसे बड़ी खुशी अभी भी बरकरार है जो हमसे कोई भी परिस्थिति नहीं छीन सकती, और वो खुशी है प्रभु यीशु हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आए, गंदी चरनी में जन्म लिया, अपना बलिदान देकर हमारे उद्धारकर्ता बन गए, और इस खुशी में हम आनंदित हो प्रभु, ऐसा अनुग्रह हम पर होने दीजिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन और आमेन। खुशियों से भरने संसार को स्वर्ग छोड़कर तू आ गया, पाप मेरे उठाने को कुर्बान भी तू हो गया, बहाना तो तेरे जन्म का खुशियाँ तो हम लुटाते रहे, पार्टी पीना शांता शॉपिंग जश्न हम मनाते रहे, गुनहगार हैं हम तेरे खुदा तुझको ही हम भुला बैठे, खुशियों के श्रोता यीशु को क्रिसमस से ही निकाल बैठे। पाखी बेटा पाखी।
पाखी, भले इस साल कोरोना की वजह से कुछ भी ठीक नहीं रहा, पर हम जान चुके हैं क्रिसमस की असली खुशी इसी में है कि यीशु मसीह उद्धारकर्ता बन के हमारे लिए जन्मे। पाखी, मैं काफी चिंता में था और इसलिए गुस्सा हो गया, क्योंकि अब तक तो हम यही मानते थे क्रिसमस यानी पार्टी और पीना, संता और शॉपिंग, लेकिन अब जाना है क्रिसमस क्राइस्ट के बिना अधूरा है। यीशु ही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। चल बेटा, आज हम तेरी फेवरेट जगह पे स्टार लगाते हैं। मैरी क्रिसमस।